हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल में। काफ़ी टाइम बाद क्लास हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसका कारण ये था कि एक्चुअली हमारा जो घर है वहाँ पर थोड़ा काम वगैरह चल रहा था, घर वगैरह बन रहा था, तो उस चक्कर में थोड़ा सा बिजी था। और दूसरा, जो जिस कैमरे से मैं शूट करता था वो ख़राब हो गया है, वो टूट गया था, मतलब गिर गया था और गिरकर फिर टूट गया है। तो इस चक्कर में काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ पा रही है। अब देखिए, आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हमारा जो संविधान चल रहा था, संविधान को आगे कंटिन्यू रखेंगे और आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जो नीति निर्देशक तत्व हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये संविधान के भाग 4 में हैं और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बात हमें याद रखनी है। तो मौलिक अधिकार किस में थे? भाग 3 में थे। एक बार मैं भाग फिर से गिना दे रहा हूँ। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। भाग 2 में हमने नागरिकता पढ़ी थी और भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है क्या। एक्चुअली ये जो सिद्धांत है, ये जो नियम है, ये राज्य को नीतियाँ बनाने में दिए गए निर्देश होते हैं। राज्य का मतलब है गवर्नमेंट कह सकते हो, सरकार कह सकते हो, कार्यपालिका कह सकते हो। तो कार्यपालिका को नीतियां बनाने में दिए गए निर्देशों को हम क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इनमें जो सबसे पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 जो है ये कहता है कि अनुच्छेद 12 के समान इस भाग में भी राज्य की परिभाषा ली जाएगी। अब राज्य का क्या मतलब है? देखो, हमने अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा पढ़ी थी। संविधान में राज्य की परिभाषा क्या है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि संघ की सरकार और सभी राज्यों की सरकार है। राज्य क्या है? तो ये तो संघ की सरकार और सभी राज्यों की सरकार है, और संघ और राज्यों की सरकारों के अधीन पद धारण करने वाले सभी अधिकारी, सभी सरकारी निगम, सरकारी कंपनियां, कार्यपालिका पूरी, और प्लस इसके अलावा विधायिका जो संसद है हमारी, और राज्यों की विधानसभाएं, इसके साथ साथ जितने भी कोर्ट हैं इंडिया के, वे सब क्या हैं? राज्य हैं। यानी कि आप समझो कि गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी एलिमेंट है वो क्या है? स्टेट है, एक तरीके से राज्य है। तो बस अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 12 के समान राज्य की परिभाषा है। राज्य को अनुच्छेद 12 में भी हमने परिभाषित किया था, ये आपको याद होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 इसमें कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में प्रवर्तनीय का क्या मतलब है? देखिए, जो कोर्ट हैं इंडिया के, किसी भी कोर्ट में प्रवर्तनीय, किसी भी कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इन पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर, भारत के किसी भी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं की जा सकती, कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती। मतलब इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोर्ट में केस नहीं कर सकता। अब ये क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया गया है। एक्चुअली जब संविधान में हमारे में जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब हमारे जो देश था उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये जो जितने भी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन सबको लागू कर पाए राज्य यानी कि सरकार। तो सरकार के सामने समस्या थी। तो इन इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इनको संविधान में ये छूट दी गई है कि इनके खिलाफ कोर्ट में कोई भी केस दायर नहीं किया जा सकता, कोई भी सुनवाई या याचिका दायर नहीं की जा सकती। ठीक है, अब ये क्या है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपके समझ में आ जाएगा। अगला जो अनुच्छेद है हमारा, देखिए वो है अनुच्छेद 38। और अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है? तो साधारण भाषा में कहूँ तो इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के कार्य करेगा, लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के कार्य करेगा। अब इसे जरा समझिए आप ध्यान से, राज्य लोक कल्याण की
कि अभिवृद्धि और सुरक्षा के कार्य करेगा। लोक कल्याण का मतलब होता है लोगों का कल्याण, जनता का कल्याण। अब राज्य क्या करेगा, जनता के कल्याण के लिए काम करेगा, जनता की वृद्धि के लिए प्लस सुरक्षा के लिए कार्य करेगा। और क्या हमारी सरकारें ऐसा करती हैं, बिल्कुल करती हैं। सरकारों ने पुलिस नियुक्त कर रखी है, आर्मी नियुक्त कर रखी है, हमारी वृद्धि के लिए, हमारी तरक्की के लिए सरकारें लगातार कार्य करती रहती हैं। इसीलिए ये आर्टिकल जो कहा गया, ये आर्टिकल हमारी सरकारें लागू करती हैं, ठीक है। जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं उनको लागू करती हैं। अगली बात जो इसमें कही गई है वो है आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया है पहली बात कि राज्य स्त्रियों और पुरुषों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। यानी कि स्त्रियों और पुरुषों यानी कि दोनों के लिए रोजगार का मतलब है उनके लिए कोई ना कोई आय की इनकम का सोर्स पैदा करने का राज्य कोशिश करेगा। राज्य का मतलब है सरकार। तो सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि सरकार लोगों के लिए रोजगार पैदा करे, ठीक है। और इसी में एक और बात कही गई है कि राज्य स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। कि राज्य समान मतलब महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए एक जैसे कार्य के लिए एक जैसा वेतन। अब तो ये इसके ऊपर कानून बन गया है और कोई भी प्राइवेट संस्था भी और गवर्नमेंट संस्था भी ऐसा भेदभाव नहीं कर सकती है कि महिलाओं को कम सैलरी दी जा रही है, पुरुषों को ज़्यादा दी जा रही है, जबकि दोनों का काम एक जैसा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखना, पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों के लिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 40। देखिए अनुच्छेद 40 क्या कहता है। अनुच्छेद 40 जो है इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। जो ग्राम पंचायतें हैं अब तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके 1993 में हमने पंचायतों को स्थायी बना दिया है। पहले हमारे संविधान में केवल अनुच्छेद 40 में सबसे पहले बात की गई है ग्राम पंचायतों की। आपसे यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है, ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए। ये जो आर्टिकल है ये गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित है। गांधी जी कहते थे कि जो भारत है वो गांव में बसता है और गांव के लोगों को स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये स्थानीय स्वशासी संस्थाएं कहलाती हैं पंचायतें। गांव में पंचायतों के चुनाव होते हैं, लोग अपने ही लोगों में से किसी एक को अपना प्रधान चुनते हैं और उससे जो भी उनके कार्य होते हैं, जो भी समस्याएँ होती हैं वो उससे कहने के हकदार होते हैं, ठीक है, स्थानीय समस्याएं। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संविधान में और वर्तमान में हमारी जो पंचायतें हैं इनको स्थायी बना दिया गया है सरकार के द्वारा। ये अब परमानेंट कर दी गई है। संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया था संसद में और उस संशोधन के द्वारा इनको स्थायी बना दिया गया है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ तक आपको याद करनी ही करनी है। तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको याद करनी है, ऐसे नहीं कि बस वीडियो देखा और काम खत्म हो गया। और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। आपके पास किताबें होंगी, उन किताबों से आप क्वेश्चन लगाया करो। जो भी स्टूडेंट जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाता है वो उतना ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है परीक्षा में, उतना ही बड़ा स्कोर वही करता है जो क्वेश्चंस लगाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए आप, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है आपके लिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने पेपर लेके आइए और पुराने पेपर लेके आके देखिए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी एग्जाम पास होने के चांसेस हैं। पुराने पेपर लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ऐसे समझो कि आप पढ़ते रहो 4 साल तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप डेली पढ़ते हो और डेली क्वेश्चंस लगाते हो तो आप एक वर्ष से आठ से बारह महीने के बीच में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। खैर यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है जो हमें पढ़ना है वो है अनुच्छेद 41।
मैं सभी आर्टिकल आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये हमें याद कैसे होंगे। अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में देखिए किस बात का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य बेकारी, बुढ़ापा और निःशक्तता, बेकारी बुढ़ापा और निःशक्तता की स्थिति में, बेकारी बुढ़ापा और निःशक्तता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। यहाँ पर आर्थिक सहायता की बात कही गई है। बेकारी और बुढ़ापा, बेकारी का मतलब होता है जब किसी के पास कोई काम ना हो, बुढ़ापा जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, निःशक्तता का मतलब है वो काम करने की स्थिति में ना हो। ऐसी स्थिति में राज्य को निर्देश दिया गया कि वो लोगों को आर्थिक सहायता देगा। इसी के तहत जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है वो आर्टिकल 41 के तहत मिलती है। जो भारत सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की जो शुरुआत की है, तो जो बूढ़े लोग हैं और उनके लिए, उनका भाई जीवन तो उनके लिए भी, मतलब सब जीवित ही हैं और सब व्यक्ति भी हैं, तो उनके भी ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, चाहे वो तम्बाकू ही खाए उस पैसे के पैसे से, लेकिन उनको ज़रूरत तो होती है। तो वृद्धावस्था पेंशन जो है, बूढ़े लोगों को जो पेंशन मिलती है उसका ये आर्टिकल आधार है। एक और चीज़ आपने देखी होगी जो बेरोजगारी भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता जो मिलता है उसका भी आधार क्या है, हमारा अनुच्छेद 41 है, ठीक है। अनुच्छेद 41 बेरोजगारी भत्ते का क्या है, आधार है, जो बेरोजगार लोगों को दिया जाता है, ठीक है। अगला अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, अनुच्छेद जो 42 है यह कहता है कि राज्य प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। अब यह प्रसूति सहायता क्या है, राज्य प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। प्रसूति सहायता का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं, जब गर्भ उनके पेट में पल रहा होता है, उस दौरान उनको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण अच्छा चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, उनकी देखरेख चाहिए। तो इन सब के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है कि जो महिलाएं ये सब अफोर्ड करने में अवेलेबल, मतलब नहीं होती हैं, अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, उनको राज्य क्या करे, प्रसूति सहायता प्रदान करे। इसी के तहत आपने देखा होगा कि जब डिलीवरी के टाइम में जो महिलाओं को कुछ सहायता 5 से 6 हज़ार रुपये वर्तमान में दिए जाते हैं, उसका कारण यही है ताकि बच्चा और जच्चा, यानी कि माँ और जो बच्चा होता है, दोनों स्वस्थ रहें। उनका दवाइयों का इंतजाम प्रेगनेंसी के बाद, मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद, प्लस बच्चे के पोषण और माँ के पोषण का ख्याल रखा जा सके। तो बहुत अच्छा आइडिया है ये, और ये देखिए हमारे संविधान में मूल रूप से ये चीज़ें हम सब जो हैं ये पढ़ रहे हैं। तो कितना अच्छा संविधान है हमारा, एक एक छोटी से छोटी बात का भी यहाँ वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला अनुच्छेद देखिए, अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 43, आर्टिकल 43। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, अनुच्छेद 43 जो है मेनली इसमें वर्क से रिलेटेड है, ये कामगारों से रिलेटेड है कि जो मजदूर हैं उनको ऐसी दशाएं प्रदान की जाएं जिससे कि वे आराम से कामकाज कर सकें। और दूसरी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात कही गई है वो कही गई है कि राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा, कुटीर उद्योगों की स्थापना, कुटीर उद्योगों की स्थापना व संरक्षण, कुटीर उद्योगों की स्थापना व संरक्षण करेगा। कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटे उद्योग, हथकरघा उद्योग जिन्हें कहते हैं, जैसे कोई गलीचे बुन रहा है, कोई दली बुन रहा है, कोई, बहुत सारे लोग मोमबत्ती बनाने लगते हैं घर पर, अगरबत्ती वगैरह बनाने लगते हैं। तो जो छोटे छोटे उद्योग हैं, कोई पतंग बना रहा है, इन उद्योगों की स्थापना करेगा राज्य और इनके संरक्षण के लिए, इनके विकास के लिए काम करेगा। और हमारे यहाँ करते भी हैं, सरकार ने एक संस्था भी बनाई है सिडबी जो करके है, सिडबी जो है ये कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ही काम करती है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया करके है ये। तो ये स्मॉल इंडस्ट्री जो है कुटीर या हथकरघा उद्योग या छोटे उद्योगों के लिए संस्था काम करती है, ठीक है। अगला आर्टिकल देखते हैं, चलिए अगला आर्टिकल शुरू करते हैं। तो आप जो है लगातार इनको देखते रहिए, बार बार थोड़ा सा देखिए आप वीडियोस को, तो आपको याद हो जाएगा। प्लस आपको केवल देखते रह नहीं रहना है, ये कॉपी पेन लेके ये सब चीज़ें नोट करनी है, जो भी मैं आपको एक एक बात जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये सब आपको नोट करना है, ठीक है। कॉपी में अपने नोट्स बनाने हैं,
नोट्स आप अच्छे से बनाओगे, एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है, फिर आप उसी को नोट्स को बार बार रिवाइज करके परीक्षा दे सकते हो। तो नोट्स बनाना बहुत अच्छा फंडा होता है एग्जाम पास करने के लिए, और खासकर पीसीएस वालों के लिए। जो बच्चे पीसीएस वाले हैं वो क्या करें कि जो मतलब पुराने पेपर लेके और पुराने पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबको नोट डाउन करते जाएँ, और पेपर से पहले सबका रट्टा लगा लें। पीसीएस में वही आता है, प्री की बात कर रहा हूँ मैं। अगला जो अनुच्छेद है हमारा, नेक्स्ट अनुच्छेद है 44, ये बात करता है समान सिविल संहिता, एक समान नागरिक संहिता। एक समान नागरिक संहिता ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसको सबसे पहले लागू करने वाला राज्य जो है वो गोवा है। आपसे क्वेश्चन आता है सबसे पहले किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू किया, गोवा ने किया था। समान नागरिक संहिता का क्या मतलब है देखिए, इसका मतलब ये है कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम, एक जैसे कानून। जैसे हिंदू धर्म के लोगों को शादी के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, वैसे ही सभी धर्मों के लिए ये अनिवार्य हो। जैसे एक धर्म की जैसे कोर्ट से तलाक होता है हिंदू धर्म में, वैसे ही सभी धर्मों के लोगों के लिए कोर्ट से तलाक हो, ठीक है। तो सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसे कानून। देखिए संविधान तो सबके लिए है, लेकिन जो कुछ धार्मिक आधार पर कुछ अलग से कुछ अपने अपने संहिता होती हैं, अलग अलग कानून होते हैं, उन सबको भी एक कर देने का मतलब है सभी नागरिकों के लिए समान नियम होना। तो ये एक समान नागरिक संहिता सबसे पहले गोवा ने लागू किया है, केरल में भी लागू है, कुछ और राज्यों में भी लागू है, और हो सकता है ये बड़ी अच्छी रहेगा अगर पूरे देश में ये लागू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आगे के जो आर्टिकल हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। आज जो हमारी क्लास है उसकी क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर है, आज आप एडजस्ट कर लीजिए। मैं जल्दी ही नए कैमरे की व्यवस्था कर लूँगा, तब अच्छे से सब चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। Thank you.